अधिकारी जो है वो राजनीति का शिकार हो चुके हैं। मैं चुनाव आयोग से कंप्लेंट करना चाहूंगा और चुनाव आयोग तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और ऐसे ऐसे अधिकारियों को यहाँ से भगाइए। ये माहौल खराब करना चाहते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। फिर गहराया बड़का गाँव का महुद्दी विवाद। जी हाँ, महुदी रामनवमी जुलूस मार्ग की मांग को लेकर कई गांव के लोग एकजुट हो गए हैं। भगवा झंडा के साथ ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि रामनवमी महुदी मार्ग की मांग को लेकर सोमवार को कई गांव के लोग एकजुट होकर सोनपुरा स्थित महुदी स्कूल के पास भगवा झंडा के साथ धरने पर बैठ गए और अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। धरना की जानकारी मिलते ही बड़कागांव पुलिस हरकत में आ गई है। थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह धरना स्थल पर पहुंचकर हालात से अवगत हुए। विधि व्यवस्था को देखते हुए थाना प्रभारी ने धरना को हटा लेने की बात कही और शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की है। धरना में प्रखंड के महुदी, सोनपुरा, सांड, मिर्जापुर, छपेरवा, कांटतरी, विश्रामपुर, बड़कागांव, हरली, बादम के अलावा प्रखंड के कई गाँव के लोग सोनपुरा गाँव पहुँचकर धरने पर बैठ गए हैं। धरना की जानकारी मिलते ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार भी बड़कागांव पहुंचकर स्थिति से अवगत हुए। विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन नज़र बनाए हुए है। प्रशासन के द्वारा लोगों से धरना हटा लेने की अपील की जा रही है, परंतु लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। राजनीति का शिकार हो चुके हैं। मैं चुनाव आयोग से कंप्लेंट करना चाहूंगा और चुनाव आयोग तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और ऐसे ऐसे अधिकारियों को यहां से भगाइए। ये माहौल खराब करना चाहते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं और हम राम भक्तों की इस प्रकार से यहाँ पर पिसने का काम किया जा रहा है। हम लोग डटे रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग अपने घर गांव में राम राम कर रहे हैं, राम का पताका लेकर के जय श्री राम की बात कर रहे हैं और आप लोग यही कर रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाई है वो कुछ वर्षा करे, वो कुछ वर्षा करे, क्योंकि 40 सालों से भाईचारे की बात करते हैं, वो दोगला दोहरी नीति करने का बात ना करे, भाई भाई करके भाई रह जाए और हमें चारा बनाने का काम ना करे। यहाँ कुछ वर्षा कीजिए, हम महुदी के राम भक्त डंके की चोट पर जाएंगे अपना शोभा यात्रा में और राम राम करेंगे, ना कि किसी को तंग करने का काम करेंगे, ना किसी को छेड़ने का काम करेंगे, ना किसी घर विशेष पर आवाज उठाने का काम करेंगे। जी हाँ, आवाज दिया जाएगा